मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ सर। और कैसा रहा? हाँ सर जी तो आप उनका आंसर देना। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए आपको क्या पूछना है मुझसे, बिल्कुल पूछिए। सबसे पहले आप तो अपने अपना नाम बताइए सबसे पहले। अच्छा है और मैं इंडिया में रहता हूँ, यूपी से हूँ। अच्छा अच्छा और सर आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ आपके लिए इंटरव्यू देने के लिए। और आप पूछ सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चन है आप उससे पूछ सकते हो। उसके बाद मैं भी आपसे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, दो चार। सर पहले तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन यह करना चाहता हूँ कि हाँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। देखिए, मेरा नाम है मुकेश चौहान, इसलिए मेरे चैनल का नाम है YouTube Tips 2.0 M, यानी कि M यानी मुकेश, ठीक है? ये मेरे चैनल का नाम है और मैं फ्रॉम नागपुर, यानी कि नागपुर से बिलोंग करता हूँ। तो आपके चैनल का नाम क्या है और आपके चैनल पर कौन सी वीडियो अपलोड होती है। देखो, मेरे चैनल का नाम है YouTube Tips 2.0 M, और मैं मोबाइल से रिलेटेड और YouTube टिप्स से रिलेटेड और जन जागृति की जो वीडियोस है उससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ, जहाँ पे लोगों को कुछ मोटिवेशन मिलता है और लोग उससे अवेयर होते हैं, ठीक है? ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपको कैसे पता चला कि यूट्यूब पर चैनल भी बनाया जाता और यूट्यूब से पैसा भी कमाया जाता है। देखो, पहले तो मैंने ऑलरेडी मेरा 2013 में चैनल बना हुआ था, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लास्ट 2 ईयर से मुझे मालूम पड़ा कि यूट्यूब पर चैनल बना के भी पैसा अच्छा खासा कमाया जाता है। आज आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर लाखों से इनकम कर रहे हैं, हर महीने में लाख, 10 10 लाख, 20 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे भी कुछ यूट्यूब के ऐसे वीडियोस देखने को मिली थी, और वहां से मुझे पता चला कि यार यहाँ से भी इनकम किया जा सकता है। तो लास्ट ईयर मैंने अपना एक चैनल खोला था, मेरा सेकेंड चैनल था, जो पहला वाला जो चैनल था जिसका नाम है मिक्स मूवमेंट, वो चैनल खोला था मैंने, जो कि शॉर्ट्स का था। लेकिन इस साल मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब टिप्स के बारे में कुछ बताया जाए लोगों को, ऑडियंस को कुछ बताया जाए, और मैंने ये चैनल का अपना शुरुआत किया। कंटेंट अपलोड करते हो। अच्छा, सेकंड चैनल पे, यहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट कॉमेडी शॉर्ट्स है, कुछ दूसरे के भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो ऐसे मिक्स मोमेंट में मैंने बना के रखा है, और लगभग उसके मेरे सब्सक्राइबर 1410 के समथिंग सब्सक्राइबर है, जो लास्ट 3 मंथ में हुए हैं मेरे। तो जो शॉर्ट्स डालने के बाद में मेरे सब्सक्राइबर गेन हुए, तो वो मैं लगभग अभी एक आध साल ही हुआ है उसका, वो चैनल को मैंने ओपन किया है। तो आपके हर एक वीडियो किस तरीके से वायरल होती है, आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए जिससे देखिए, कि इनकी भी वीडियो वायरल हो जाए। अच्छा तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको वीडियो वायरल करने के लिए ना, आपको यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ती है। आपको यूट्यूब पर क्या है कि आपको रेगुलर होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, मेहनत करोगे ना तभी आपको कुछ मिल पाएगा, नहीं तो बाय द वे आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है? कंसिस्टेंसी जरूरी है, अपने चैनल पर रहना, डेली एक वीडियो अपलोड करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जितना ज़्यादा डेली वीडियो अपलोड करोगे तभी आपका जो चैनल है वो बेस्ट तरीके से ग्रो करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, रेगुलर अपने चैनल पर रहना है और रेगुलर एक वीडियो तो अपलोड करना है। अच्छी एडिटिंग, अच्छा टाइटल, अच्छा थंबनेल, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है, तभी आपका चैनल जो है वो ग्रो होगा और आपके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगी। आपकी वीडियो हर रोज वायरल हो जाती है, तभी आप वीडियो डालते हो। किस टाइम पर अपलोड करते हो आप। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपने वीडियो को सुबह 9 से 10 बजे के बीच में, या फिर रात को शाम को 7 से 9 के बीच में अपने वीडियो को अपलोड करता हूँ। और आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा और फिर आप यूट्यूब से इनकम करने लगोगे तो आपको कैसा फील होगा। हमारे ऑडियंस समझ सकते हैं कि उनको कैसा फील होता है। क्या बोले आप, फिर से एक बार क्वेश्चन पूछना। आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा। आप जब पैसा कमाने लग जाओगे, आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं, हाँ, मेरे घर फैमिली वाले तो करते सपोर्ट हैं, करते हैं हमारे और लोग। पैसा कमाने। तो सर आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जो अपने चैनल पर वर्क करते हैं, यानी कि अपना चैनल बनाते हैं और फिर उस पर 10 15 वीडियो अपलोड कर देते हैं, हाँ उनको अच्छा खासा नहीं मिल पाता तो फिर वो अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ देते हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे। तो वो गलती करते हैं। सबसे मेन बात क्या है कि अगर आप एक आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप अगर कंसिस्टेंसी बरकरार, जैसे कि मैंने पिछले बार बताया आपको कि कंसिस्टेंसी आप बरकरार नहीं रखते हो, डेली वीडियो अपलोड नहीं करते हो, तो यार चैनल कैसे ग्रो होगा, ठीक है? कम से कम उसके लिए हमें
दो चार छह महीने साल भर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी हमारा चैनल ग्रो होता है, और डेली वीडियो अपलोड करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर डेली वीडियो अपलोड करोगे तो ही चैनल ग्रो होता है और तो ही हमारे व्यूज जो है वो बढ़ते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, 10-15 वीडियो डालने के बाद में ऐसा लगता है कि यार हमारे व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, और वो क्या करते हैं हिम्मत हार जाते हैं और अपना चैनल बंद करवा देते हैं। तो डेली कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, मैं ऑडियंस से भी बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए और डेली एक वीडियो अपलोड कीजिए तभी चैनल ग्रो होगा। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो इससे? दोस्तों सर सही कह रहे हैं, आप रेगुलर जब तक बने नहीं रहोगे तो आपका चैनल कैसे ग्रो होगा। मान के चलिए आपका चैनल ग्रो भी हो गया, फिर से आप रिकंटेंसी बनाए रखोगे, फिर से आप अपनी वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो ऑडियंस तो आपको अनसब्सक्राइब करके भाग जाएगी। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल ये सही बात बोले आपने कि अगर आप कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखते हो, डेली वीडियो नहीं अपलोड करते हो तो ऑडियंस को हमारी वीडियोस नहीं मिलती और वहां से वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अगर सब्सक्राइब कर भी दिए तो हमारी वीडियो वो देखते नहीं अगर हम बहुत लेट वीडियो डालते हैं, ऐसा है। तो आप अपने हमारी ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं तुम्हारी ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल मेहनत कीजिए, डेली वीडियो अपलोड कीजिए, जितना अच्छा हो सके थंबनेल बनाए और अच्छा एडिटिंग करें, और बिल्कुल कंसिस्टेंसी अपने बरकरार रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जो वीडियो का है जो रीच है वो यूट्यूब को ऐसा प्रोसेस लगाए कि बिल्कुल यूट्यूब में आपके जो वीडियोस को रिकमेंड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैनल ग्रो होना चाहिए। इसलिए हो सकता है तो आप अपने वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे अपने वीडियो को तो वहाँ से व्यूज़ नहीं आने वाले, यूट्यूब आपके वीडियो को डायरेक्ट वीडियोज़ को आपके वीडियो को जो है रिकमेंड नहीं करता है, तो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, और मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो हमारे स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आते और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी नहीं हो पाते, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सब फॉर सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, सब फॉर सब से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप सब फॉर सब कर भी लोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि लोग आपको सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन आपके वीडियो को देखेंगे नहीं, वो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला हमारे YouTube पर, उससे कोई बेनिफिट सब फॉर सबसे कोई बेनिफिट। आप बोल दोगे दूसरे को कि यार सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन वीडियो देखेगा तभी तो आपके वीडियो को व्यूज आएगा ना। ठीक है, वीडियो देखेगा तभी आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे, अगर वो वीडियो देखेगा ही नहीं सब्सक्राइबर करने से क्या मतलब, आपके व्यूज बढ़ना चाहिए। अगर जैसे आपके व्यूज बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक मिलेंगे आपको, इसलिए सब फॉर सबसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सर आपसे यहीं पर अलविदा लेते हैं, और मैं आपसे अब दो चार क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, दो चार क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, मेरे वीडियोस कैसे लगे और आप कब से देख रहे हो? आपका चैनल मेरे ब्राउज फीचर में आया था, यानी कि यूट्यूब ने रिकमेंड किया था। हाँ। और मैंने आपके वहां से वीडियो देखी थी और आपकी वीडियो अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लूं और फिर आपसे कोलैबोरेशन करने की सोची। हाँ। तो मैंने आपसे कोलैबोरेशन कर लिया। अच्छा, आपने कोलैबोरेशन करने का सोचा, इसका मतलब यार आपके दिमाग में कुछ तो भी माइंड सेट बना हुआ था कि कोलैबोरेशन करने से हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, आपको कितना लगता है कि कोलैबोरेशन से हमारे जो व्यूज है और सब्सक्राइबर इंक्रीज हो सकते हैं, और क्या बेनिफिट्स है इसके? इसके बेनिफिट तो बहुत हैं, जैसे कि आपके ऑडियंस हमारे चैनल पर आते हैं, हमारी ऑडियंस आपके चैनल पर जाती है, एक दूसरे के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, इससे व्यूज भी आते हैं और हमारा चैनल ग्रो भी हो जाता है जल्दी से। हाँ। इसलिए हमें ज्यादा से नहीं तो थोड़ा बहुत तो कोलैबोरेशन करना चाहिए, पर उनके साथ करना चाहिए जिनके साथ कैटेगरी हो, जैसे कि मेरी कैटेगरी है टैग, आपकी भी कैटेगरी टैग ही है, तो हम दोनों कैटेगरी सेम है तो हम दोनों को करना चाहिए कोलैबोरेशन। बिल्कुल सही बात। अगर आप अलग कैटेगरी से कोलैबोरेशन करोगे तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, वो आपके चैनल के सब्सक्राइब तो कर लेंगे फिर भी आपकी वीडियो नहीं देखेंगे और आपको कुछ फायदा भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात बोला आपने। अब मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि आपको मेरी वीडियोस में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच करते हैं? सर मुझे आपकी वॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, नहीं आप फोन से वो रिकॉर्ड करते हो ना ही आप एडिट करते हो वॉइस की, फिर भी आपकी वॉइस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, यानी कि ब्यूटीफुल लगती है। थैंक यू सो मच। हो सकता है थोड़ा बहुत नॉइज इधर उधर से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझने वाले को दिमाग काफी है
कान बहुत जरूरी है, अगर समझने वाला हो व्यक्ति तो आंखों से देखेगा वीडियो और कान से सुनेगा और सही मायने में उस वीडियो को परखेगा जो वीडियो उसके लिए सही है, ठीक है। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपकी, क्या आपको लगता है कि सारे यूट्यूबर्स ने कोलैबोरेशन करना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत करना चाहिए, पर जब आपका चैनल ग्रो ना हो तब करना चाहिए। अगर आपका चैनल ग्रो है और छोटा यूट्यूबर आपसे कोलैबोरेशन करना चाहता है तो आप उससे भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उससे कोलैबोरेशन कर लोगे तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा, उसका चैनल ग्रो हो जाएगा। अपनी ऑडियंस का कभी भी हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर बिल्कुल आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपकी ऑडियंस आपको छोड़कर भी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। और कोलैबोरेशन ऐसे ही व्यक्ति से करो जो हमारे लेवल का, हमारे बरोबरी का हो, या हो सकता है उसके ज्यादा। अगर वो बड़ा यूट्यूबर है और आपसे कोलैबोरेशन करने को तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लेवल वाले, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके, ऐसे कोलैबोरेशन करके, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ऑडियंस, तुम्हारी ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा और मेरी ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा कि ये जो है कोलैबोरेशन, जो यूट्यूब ने एक नया फीचर्स दिया है, इसका पूरा उपयोग करो, जितना हो सके इसका उपयोग करो, लोगों से कोलैबोरेशन करो, अपने चैनल को ग्रो करो। आप कोलैबोरेशन करोगे ना तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वहां पे आपका चैनल बेस बढ़ेगा, ठीक है। जितना हो सके तो कोलैबोरेशन करो, या फिर व्हाट्सअप में, या फिर जैसा आपको जो भी अच्छा लगता है वो करो, जिससे आपके व्यूज इंक्रीज हो, आपका चैनल इंक्रीज हो। और आपको मेरे चैनल पे आके कैसा लगा, ये आखिरी सवाल था आपके लिए, कि आपको मेरे चैनल पे आके कैसा लगा? सर, आपकी वीडियो सही नहीं आ रही है, वीडियो कॉल से अब अच्छा, सही आ रही है। अब आ रही है? तो आपसे, हाँ अब सही आ रही है। हाँ तो आपसे आपसे आखिरी सवाल ये है कि हाँ आपको मेरी वीडियो कैसे पता चली और मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, देखो, अच्छी हाँ है या बेकार है, ऑडियंस को बताइए। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जब YouTube, तो खैर मैंने जब मैंने अपना जो वीडियो अपलोड किया था उस पर आपका कमेंट दिखा मुझे, ठीक है। जब मैंने कमेंट ओपन करके देखा तो मैंने देखा कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया था, ठीक है, और आपने बहुत प्यारा कमेंट किया था मुझे। और मैंने जब आपका जो वीडियो खोल के देखा तब आपके टेक के रिलेटेड वीडियो थे, तो मैंने आपके वीडियोस देखा, मुझे आपके वीडियोस भी बहुत अच्छे लगे। और मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि भाई को सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ मैं भाई का, और इनको जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल पर जाके विजिट कीजिए। और ये भाई बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, तो इनको चैनल को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा मैं कि भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आप कोलैबोरेशन करके अपने चैनल को ग्रो करिए। कि आप इनके चैनल को विजिट कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है और टाइटल में भी मैंने इनको मेंशन कर दिया। सर बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और इनको जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बढ़िया बढ़िया ऐसा ही कंटेंट देते रहते हैं सर।